नमस्कार, मैं हूँ सुनीता छेत्री। सुनीताज फैमिली किचन में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आइए आप और हम मिलके बनाते हैं फ्राइड चिकन ग्रेवी। तो इसको बनाने के लिए मैंने जो सामान लिया है वो आपको बताती हूँ। आधा किलो मैंने चिकन लिया है और साथ में लिया है ये दही, सरसों का तेल, और मैंने ये चार प्याज को स्लाइस में काट लिया है और एक प्याज को चार टुकड़ों में काटा है। 10 से 12 मैंने लहसुन की कलियां ली हैं, चार सूखी लाल मिर्च, एक टेबलस्पून जीरा और दो टेबलस्पून धनिया। सूखे मसालों में मैंने लिया है स्वाद अनुसार नमक, एक छोटी चम्मच भुना जीरा पाउडर, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, कसूरी मेथी और साथ में लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल, तेल के गर्म जाने पर स्लाइस किए हुए प्याज को डाल देंगे और प्याज को हम डार्क ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज को भूनते समय गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे और भूनते भूनते मुझे कम से कम 5 मिनट हो चुके हैं और प्याज फ्राई हो चुके हैं। मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। अब इसी तेल में हम चिकन को फ्राई करेंगे और एक एक करके चिकन को हम तेल में डाल देंगे और चिकन को हम मीडियम फ्लेम में भुनेंगे पलटते हुए। चिकन को फ्राई होने में कम से कम 10 मिनट का समय तो लगता ही है। तो इस तरह से हमने पलट पलट के चिकन को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिया है। अब इसे एक बॉल में निकाल लेंगे और फिर हम तेल कम कर लेंगे और अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। जो हमने भून के रखा था ये प्याज, तो उसमें थोड़ा प्याज हम इसमें डाल देंगे। 2 बड़े चम्मच इसमें दही डालेंगे, अगर आपकी दही खट्टी हो तो आप एक चम्मच ही डालें। साथ में डालेंगे थोड़ा सा नमक और नमक डालने के बाद इसमें डालेंगे हम भुना जीरा पाउडर आधी छोटी चम्मच और इसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट आधी चम्मच। अब मसाले को अच्छे से चिकन में मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके एक साइड मैरिनेट होने रख देंगे। अब एक पैन लेंगे, उसमें हम धनिया, जीरा और सूखी लाल मिर्च को हल्की आंच में भून लेंगे जब तक कि इसमें से बहुत अच्छी खुशबू ना आने लगे। इस तरह से भून के हम जब मसाला तैयार करते हैं तो चिकन में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए, ये मसाले हमारे भून चुके हैं और इसे हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब इसी पैन में हम प्याज को डाल देंगे और साथ में लहसुन को भी डाल के थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे हल्का सा लाल होने तक, और इस समय गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। तो प्याज और लहसुन भी हमारे रोस्ट हो चुके हैं, तो इसे भी हम निकाल के ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और जब ये सभी मसाले ठंडे हो जाएंगे तो इसका हम एक बहुत बढ़िया सा पेस्ट बना लेंगे। अब गैस हम बंद कर देंगे और इसी पैन में हम कसूरी मेथी को भून लेंगे। कसूरी मेथी भून चुकी है, अब हम मिक्सी में इन मसालों का पेस्ट बना लेंगे और साथ में हम ये भुने हुए जो प्याज है ना, इसे भी हम इसमें डाल देंगे जो बचे हुए हैं, और साथ में जो एक प्याज कट करके रखा था ना, वो भी हम इसमें डाल देंगे और फिर इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे। तो चलिए इसे पीसते हैं। तो देखिए, इसको हमें बहुत ही अच्छी तरह से पीसना है, बिल्कुल महीन पेस्ट इसका हमें बनाना है। तो मैंने ये पीस के इसका पेस्ट तैयार कर लिया है और बहुत ही बढ़िया इसका पेस्ट तैयार हुआ है। और मैंने तेल कम कर लिया कढ़ाई में और इसी तेल में हम इस मसाले को डाल देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। और मसाले को हमें बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले ही मसाले भून के तैयार कर लिए थे। और अब डालेंगे इसमें हल्दी और लाल मिर्च पाउडर और इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इस समय गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। अब डालेंगे इसमें नमक, नमक हम कम डालेंगे क्योंकि मैरिनेट करते वक्त भी इसमें हमने नमक डाला था, तो इसलिए नमक हम कम ही डालेंगे। अब कवर करके इसको मीडियम फ्लेम में 2 मिनट के लिए पकाएंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं, मसाला बहुत अच्छी तरह से पक चुका है, मसालों ने तेल छोड़ दिया है। अब इसमें डालेंगे हम मैरिनेट चिकन और मैरिनेट चिकन को डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें और मिक्स करते रहेंगे और इसे थोड़ी देर भूनेंगे चलाते हुए। तो इसे भूनते हुए मुझे कम से कम 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब ढक्कन लगा के चिकन को पकने तक हम पकाएंगे। तो कम से कम 5 मिनट हो चुके हैं, लो मीडियम फ्लेम में हमने पकाया था इसे, और इसको एक बार चला लेंगे। अब हम जिस मिक्सी में हमने मसाला पीसा था उसी में थोड़ा सा पानी डाल के हम इसमें ऐड कर देंगे। पानी को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर इसे पकने देंगे।
जब हम मैरिनेट करके चिकन को फ्राई करते हैं तो उससे बहुत ही स्वादिष्ट हमारा चिकन बनके तैयार होता है। और देखिए, देखने में भी चिकन बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और इसको एक बार कवर करके पका लेंगे फिर से, और बहुत ही अच्छा चिकन गल के तैयार हुआ है। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो चिकन पूरी तरह से गल चुका है और हमारी फ्राइड चिकन ग्रेवी बनके तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी, जिसको हमने रोस्ट कर लिया था, थोड़ा से हाथों से मसलते हुए इसे डालेंगे। और इसे ज़्यादा भी नहीं डालेंगे, ज़्यादा डालने से थोड़ा कड़वापन आने लगता है। अब डालेंगे इसमें हरा धनिया। बस तैयार है हमारी फ्राइड चिकन ग्रेवी। इस रेसिपी को देख के तो आप सभी के मुंह में पानी आ गया होगा। अगर आपके मुंह में भी आए पानी तो जल्दी से चिकन ले आइए और इस तरह से चिकन की रेसिपी आप बना लीजिए। फिर मैं करूंगी आपके कमेंट का इंतज़ार। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब मैं मिलती हूँ किसी नई रेसिपी के साथ। नमस्कार दोस्तों।